मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। नदी साहब, आज किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, और चूंकि हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले एनडीए में शामिल है, और हमें जो भी माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से निर्देश मिले हैं, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार में हैं, जो निर्देश मिले हैं, हमारा अगर प्रदेश शहर और गांवों का तक का विकास अगर करना है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा को वोट दें, कमल का बटन दबाएं, और भाजपा के प्रत्याशियों को चाहे कोई भी हो योगी मोदी जी को देख करके वोट दें। हमें प्रत्याशी को नहीं देखना है, भाजपा को वोट दें और भाजपा का समर्थन करें। कमल के फूल का जो है बटन दबाइए और भाजपा के कैंडिडेटों को कामयाब बनाइए। जिस तरह से आप अपील कर रहे हैं भाजपा को वोट दें, और बरेली शहर में जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार मेयर उमेश गौतम पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास 5 साल में नहीं कराया, बदहाल कर दिया शहर को। देखिए, आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप जो है लगाना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हकीकत में यह है कि माननीय उमेश गौतम जी ने जितना विकास बरेली के लिए और जितना काम हुआ है आज तक नहीं किया। पहले भी मेयर रहे, आप देखिए लाइटें, विदेशी लाइटें आकर के चमक रहा है, वो दूसरी अलग बात है कि कुछ प्रोजेक्ट का जो है फाइनल नहीं हो पाए, इसीलिए बरेली का विकास तभी हो सकता है। और आजादी के बाद से आज तक जो गलियों में और मोहल्लों में विकास कार्य नहीं गया था, वहां सीसी रोड और टाइल के रोड पड़े हुए हैं, विकास गलियों तक पहुंचा। और विपक्ष का काम है, गुड्डू पप्पू का खेल है ये, आरोप प्रत्यारोप लगाना वो लगाते रहेंगे, उस पे भाजपा सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग भाजपा के पक्ष में हैं, और खास तौर से हमारी मुस्लिम महिलाएं जो मैं देख रहा हूं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं, वो भाजपा के साथ जबरदस्त समर्थन है और भाजपा को वोट कर रही है। ये किसी और मेयर की तरह नहीं कि कोई मेयर टाइम समय पे निकल करके आ गया और वोट मांगने लगा कि मैं साथ समाजवादी का हूं उसका हूं। आज तक किसी भी के साथ में अच्छी बुरी बात में कि उमेश गौतम जी रात के 2 बजे भी लोगों से मिलते हैं और उन लोगों की समस्या सुनते हैं यही, और नगर निगम में उन्होंने जितना सुधार किया है कोई और मेयर न करेगा, न कर पाया है और न कर पाएगा। ठीक है, शुक्रिया।